अटेंशन 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 इग्नू स्टूडेंट अटेंशन, वीडियो को सुनिए ध्यान से। और जी हाँ, कमेंट पे आप सब लिखने से पहले ये वीडियो का कंटेंट आप समझ लीजिए क्या है, क्या जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। और जी हाँ, मैं 100% श्योर हूँ कि जब आप वीडियो को अच्छे से देखोगे तो कमेंट में थैंक यू ही लिख के जाओगे या फिर एक प्यारा सा इमोजी दे के जाओगे, स्माइल वाला। आपकी सारी टेंशन दूर होगी। अटेंशन ज़रूर दीजिए, बिकॉज जो वीडियो का कंटेंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ इस साल के स्टूडेंट के लिए नहीं, आने वाली अगले साल के स्टूडेंट के लिए भी, और जो हमारे 2 से 2.5 साल पहले स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, इनरोल कराया था, एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप कराया था, उन सब के लिए है। तो आप सब वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। बात रही प्रमोशंस के बारे में, काफ़ी रूमर्स था और स्टूडेंट को प्रमोशन भी चाहिए, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो ज़रूर ध्यान से सुनिए। 2022 के जून की परीक्षा में जो भी प्रेजेंट होगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा। जो भी कैंडिडेट 2022 की परीक्षा में प्रेजेंट होगा, क्या उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा? सवाल दूसरा है, जो भी छात्र 2022 की परीक्षा देगा, प्रमोशन की मान्यता क्या रद्द हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके ही सवाल है, नहीं मिलेगा प्रमोशन का नंबर, कोरोना के कारण फिर से हो रही है परीक्षा रद्द। प्रमोशन में मिलेंगे स्टूडेंट को ज़्यादा नंबर, प्रमोशन में कितने नंबर मिलेंगे छात्रों को? ये सारे सवाल है जो आपके ही सवाल है, तो सारे सवालों को हम एक एक करके लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि कमेंट में आप शब्द बिल्कुल ना लिखें। मैं आपके लिए हर एक स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ लेके आती हूँ, कंबाइंड वीडियो होता है और अटेंशन ग्रैबिंग वीडियो होता है, जस्ट बिकॉज कि बहुत सारी वीडियोज़ हैं और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आपसे कुछ भी ना छूटे, इसलिए मैं अटेंशन ग्रैबिंग वीडियो बनाती हूँ, ताकि आपको लगे कि इसमें कुछ है और आप उस पर ध्यान दो। थोड़ा सा अपना समय निकाल के अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती ही मिलती हैं। बात करते हैं एक्सेप्शंस नोटिस की। 2 बार प्रमोशन हुआ था, जैसे कि आपको याद है 2019 में 2021 में, आपका मतलब 2020 में और 21 में प्रमोशन हुआ था। तो जो प्रमोशन का सेशन था ना, वो 19, 20 और 21 था, कुछ ऐसे ही सारी चीज़ें। नोटिस भी आपको दिखा देती हूँ, जिन्हें दोबारा प्रमोशन मिला, यानी कि 2021 में जिस भी कैंडिडेट को प्रमोशन मिला था वो ये थे। और इसी के साथ साथ ही प्रमोशंस की और एक नोटिस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो आप सब स्टूडेंट को देखना चाहिए। 16 दिसंबर 2020 की नोटिस है। अब आप कहोगे कि काफ़ी पुरानी नोटिस आपने ले आई। यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ, ये है प्रमोशन की सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं आपको ये कन्फ्यूज़न दूर कराना चाहती हूँ कि जो मैंने ये फर्स्ट पॉइंट लिखा है, 2020 जून की परीक्षा जो भी प्रेजेंट होगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो क्या प्रमोशन मिलने वाली है इस बार? ऐसा नहीं कह सकते, फ्यूचर की बात हम नहीं कह सकते, बट हाँ मैं आपको गारंटी बताती हूँ कि प्रमोशन नहीं होगा। एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, एग्जामिनेशंस भी डिले नहीं होंगे। सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए 22 जुलाई 2022 से एग्जामिनेशंस कंटिन्यू शुरू होने वाले हैं। जितने भी आपके एग्जामिनेशंस हॉल हैं, सेंटर हैं, वो रेडी हो रहे हैं एग्जामिनेशंस करवाने के लिए। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन चालू रखिए, तैयार रखिए। यहाँ पे आपको दोबारा प्रमोशंस नहीं मिलने वाली हैं, ये बात आप क्लियरली ध्यान से सुन लीजिए। स्टूडेंट बार बार क्वेश्चन कर रहे थे, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा। जो भी छात्र 2022 की परीक्षा देगा, प्रमोशन की मान्यता रद्द हो जाएगी, ये भी एक बड़ा सा सवाल है। स्टूडेंट कन्फ्यूज़ है कि 2022 की परीक्षा जुलाई वाली मुझे देनी ही या नहीं। जैसे कि स्टूडेंट आपको बता दूं कि प्रमोशन जिस भी कैंडिडेट का हुआ था, उसका लिस्ट यहां पे दे दिया गया था। जैसे कि आप देख सकते हो, जो भी प्रमोटेड कैंडिडेट है, नॉट प्रमोटेड कैंडिडेट है, सबके नाम यहाँ पे दे दिए गए थे। और ये भी बताया गया था कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको प्रमोशन नहीं मिला है। तो जो भी एकेडमिक प्रोग्राम जिनको प्रमोशन नहीं मिला था, वो लिस्टेड है यहाँ पे। बीएड, बीएलआईएस, एमएलआईएस, बीएचएम, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, इनको प्रमोशन नहीं मिला है। यहाँ कंडीशंस की बात करते हैं कि अगर प्रमोशन मिलने के बाद आपने एग्जामिनेशंस दे दिया है, तो क्या आपका रिजल्ट कैसा बनेगा? तो दोस्तों, अगर आपने एग्जामिनेशंस दे दिया है, तो आपने जैसे एग्जामिनेशंस दिया है, वैसे ही आपका रिजल्ट बनेगा। क्योंकि यहाँ कंफर्म लिख दिया गया है इस 3rd नंबर पॉइंट में कि जो भी स्टूडेंट प्रमोशन नहीं चाहता है, वो स्टूडेंट जाके एग्ज़ाम दे सकता है। तो एग्जामिनेशंस का जो रिजल्ट बनेगा आपका, उसी हिसाब से बनेगा। अगर आप दे के आए हैं, रिटर्न आपने लिखा है, तो फिर आपको वैसे ही अदरवाइज आपको प्रमोटेड रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे बात करते हैं अगले सवाल की ओर, जो आपका है कि कोरोना की वजह से फिर से रद्द हो रही है। तो बिल्कुल भी एग्जामिनेशंस रद्द नहीं हो रही है,
प्रमोशन में मिलेंगे स्टूडेंट को ज़्यादा नंबर। अब ज़्यादा नंबर और कम नंबर की बात करते हैं, ठीक है। नंबर किसको अधिक मिलेंगे और किसको कम? प्रमोशन के रिजल्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहती हूँ कि आप अपना रिजल्ट चेक करें, क्योंकि रिसेंटली जितने भी स्टूडेंट हैं देख सकते हैं आपका रिजल्ट पब्लिश हो गया है फॉर इग्नू गोल स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट हैं आपका रिजल्ट पब्लिश हो गया है 14 जून, स्टेटस इन 14 जून तक की बात करें, पर रिसेंटली आपका सारा अपडेट हो गया, आप जाके अपने रिजल्ट को चेक करें फटाफट से। बात करते हैं जो भी स्टूडेंट प्रोमोटेड है, जैसे कि ये एक स्टूडेंट है जिसका प्रमोशन का रिजल्ट है और ये है प्रोमोटेड ग्रेड कार्ड। अब आपको समझाती हूँ कि आपको किस हिसाब से नंबर मिलेगा प्रमोशंस का। जैसे आप प्रमोशन की बात करते हो तो आपको दो मैं स्टेटस दिखाना चाहती हूँ। फर्स्ट जो आप ये ग्रेड कार्ड देख रहे हैं, सेकंड ग्रेड कार्ड है जो है आपका प्रमोटेड, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड कार्ड की ओर हम चलते हैं। देखिए फुल्ली कंप्लीटेड BCA प्रोग्राम का ये आपका रिजल्ट है और ये एक अनप्रमोटेड यानी कि ये प्रमोशंस इनको नहीं मिला था। ये प्रमोशन के एक्सेप्शंस की छूट में सर्कमटेंसेस में नहीं आते थे तो इनको नहीं मिला, और ये स्टूडेंट जो है जिनको प्रमोशन मिला है। नंबर किस हिसाब से मिलते हैं, जैसे कि आपको मैंने हाईलाइट करके दिखाया है, चार सब्जेक्ट में यानी फर्स्ट ईयर में प्रमोटेड स्टूडेंट थे, इनको फर्स्ट ईयर में प्रमोट मिला, सेकेंड ईयर में इन्होंने एग्जामिनेशन दिया तब जाके इनको फर्स्ट ईयर में मार्क्स मिले। यहाँ पे आपको जो मार्क्स मिले हैं वो चार सब्जेक्ट में इक्वल मार्क्स मिले। अब ऐसा क्यों, तो आपको किस हिसाब से नंबर मिलेगा, तो नोटिस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जो नोटिस है आपका उसमें बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट आपको जो मार्क्स मिलेगा वो क्लियरली बताया गया है कि आपको जो मार्क्स है, देखिए यहाँ पे आपके मार्क्स के बारे में इस नोटिस में दिया गया है। देखिए हर एक कोर्स के बारे में ये कहा गया है कि एवरेज ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशंस मार्क्स ऑफ प्रीवियस ईयर, जो आपके मार्क्स हैं उसके एवरेज। अब औसत आपको मिलेगा, जैसे कि आपके चार सब्जेक्ट है यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जैसे कि ये तो इनका जो चार सब्जेक्ट है जो जिनके जिनका इन्होंने एग्जामिनेशन पेपर लिखा और उनके जो मार्क्स आए डिवाइडेड बाय 4 किया गया और उस हिसाब से फिर इनको परसेंटेज दिया गया 58 मार्क्स। तो आप जितने अच्छे नंबर लाओगे उतनी ज़्यादा अच्छा आपका प्रमोशन रिजल्ट आपका बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बता दी गई है। और जी हाँ, बात करूँ आपके कि यहाँ पे असाइनमेंट के मार्क्स, तो यहाँ पे बताया गया कि असाइनमेंट के मार्क्स आपको अलग से ही मिलेंगे, साथ साथ में नहीं मिलेगा आपका मार्क्स, ठीक है। इस बार मैं बताना चाहती हूँ, आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप ऐसा रिजल्ट चाहते हो जिसमें आपको एवरेज परसेंटेज मिले, या फिर ऐसा रिजल्ट चाहते हो जिसमें आप अपने हिसाब से परसेंटेज इंक्रीज कर पाओ, अच्छे नंबर ला पाओ, ये आप पे है। क्या आप चाहते हो कि आपको फिर से प्रमोशन मिले और प्रमोशन क्या आपको चाहिए, या फिर आप एग्जामिनेशन दे के बेटर रिजल्ट करना चाहते हो, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर लिखना, क्योंकि कन्फ्यूजिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स में थी और मैं नहीं चाहती कि आपका एग्जामिनेशन छूटे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टेटस को ज़रूर चेक करें और अपने ID पर लॉगिन होकर अपना इग्नू का आई कार्ड ज़रूर आप रिसीव कर लें, बिकॉज आपको एग्जामिनेशन में वो ज़रूरत पड़ेगी, आप एग्जामिनेशन में लेके जाओगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो रेशम क्लासेस को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।